नमस्कार दोस्तों, सूर्य फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए, इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे इंडिया डिप्लोमा इन इंडियन रेलवे सेमेस्टर फर्स्ट का 2021 का पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड अदर 3 क्वेश्चन आपको करना है। सेक्शन ए है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से है, इसमें कुल 10 क्वेश्चन होते हैं। इसको पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा और आप ऐसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा, फटाफट फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 में से कितनी 3 का करना है। इन तीनों में से ये लास्ट में जो लिखे हैं ये सब, ये पेज नंबर लिखा हुआ है बुक में, ये पेज नंबर है, पेज नंबर पे इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। हिंदी में इसका रूपांतरण ये है, इसको जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में अपना इसको देख लें। टाइम कम होने के कारण ऐसा किया जा रहा है, जल्दी जल्दी से। ये रहा आपका हिंदी इंग्लिश। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी पेपर नंबर 8 जो है उसको देख लीजिए। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का कंपलसरी है, इसके बाद 3 क्वेश्चन करना है। इसका भी आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं। इसका भी हिंदी में लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये रहा है हिंदी में। उसके बाद पेपर नंबर 9 को देख लीजिए। पेपर नंबर 9 जो है सिंगल एंड टेलीकॉम, इसमें आपको उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और 1 घंटे का रहता है और 3 इसके बाद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ABCDEFGHIJ, इस तरह से 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट नोट है, इन सबका शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5, 6, 7, इन सब में से कोई 3 आपको करना है। इसका हिंदी में रूपांतरण इस तरह से है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत टॉप पेपर ये बोला जाता है, सिंगल एंड दूर संचार। इसको लोग कम पढ़ते हैं जिसकी वजह से ये बहुत टॉप लगता है, ऐसा है नहीं, कम पढ़ने की वजह से, जानकारी कम होने की वजह से बहुत टफ लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, परिवहन प्रबंधन जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेमेस्टर 1 का, इसमें भी कंपलसरी है क्वेश्चन नंबर 1 करना। उस 10 क्वेश्चन दिया रहता है, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हुआ, अब सेक्शन बी से किन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, जो आपका इस तरह से है। इसका हिंदी में रूपांतरण पहले ही दिखाए थे, फिर भी आप लोग देख लीजिए। ये रहा हिंदी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 रेलवे एक्सीडेंट एंड सेफ्टी,
मेजर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में अक्सर ट्रैकमैन भाई सब जानकारी रखते हैं, और विशेष जानकारी के लिए बुक में सब डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बुक से ही। और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी वाला इस तरह से था पार्ट ए का। पार्ट बी में तीन किसी क्वेश्चन 3 का आंसर देना है, जो इस तरह से है। आप लोग देख लीजिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। और ये रहा हिंदी में। फटाफट फटाफट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पेपर मैं 2017-18 का पेपर जुगाड़ में कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो मैं जल्दी ही आप लोग के बीच वो भी प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।